नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं कि असली नीलम रत्न की पहचान क्या होती है। हम बिना लैब में टेस्ट किए घर बैठे कैसे नीलम रत्न असली है या नकली है, इसे कैसे बड़ी आसानी से जान सकते हैं। कोई भी लैब टेस्ट किए, लैब में कोई भी किट का यूज़ किए, हम कैसे इसे तुरंत नीलम रत्न ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है कैसे जाने। तो वीडियो शुरू करने से पहले, आप चैनल पर नए दर्शक होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए जानते हैं असली नीलम रत्न की पहचान। नीलम रत्न, जिसे ब्लू सफायर कहते हैं, यह नौ रत्नों में सबसे शीघ्र असर करने वाला रत्न माना जाता है। यह रत्न शनि ग्रह का होता है। इस रत्न के विषय में बहुत सी गलत फहमियाँ हैं लोगों में, और एक अलग सा डर है, अलग सी दहशत है। पर यह बात गलत है, क्योंकि अगर यह रत्न आपको सूट हो गया तो आपका जीवन बदल सकता है। शनि ग्रह सौर मंडल में गुरु ग्रह के बाद सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं, और शनि ज्योतिष शास्त्र में न्यायाधीश कहे गए हैं। यह आपको पता होना चाहिए। यह ग्रह आपके कर्मों के अनुसार आपको फल प्रदान करते रहते हैं, चाहे साढ़े साथी हो या ढैया हो, चाहे महादशा हो शनि ग्रह की या उसकी अंदर दशा चल रही हो। वह अलग अलग राशियों में अलग अलग फल प्रदान करते हैं और सभी लोगों को अलग अलग फल प्रदान करते रहते हैं, और सभी लोगों का अलग अलग अनुभव भी होता है। खैर, हमारा वीडियो इनके रत्न नीलम पर है। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि असली नीलम रत्न को किस तरह से हम पहचाने। असली नीलम रत्न में झाइया यानी झिरम्स होती है, यह बात हमेशा स्मरण रखें। असली नीलम रत्न हाथ में लेते ही स्मूदिंग यानी स्मूथ जैसा लगता है, उसमें चिकनाहट होती है। असली नीलम रत्न अगर हाथ में 5 मिनट तक पकड़कर रखा जाए तो हाथ में झंझनाहट लगती है, हाथ में चीटियाँ चलने जैसी जैसा महसूस होता है, ये उसकी पहचान है। असली नीलम रत्न कच्चे दूध में रखा जाए तो दूध हल्का सा नीला दिखाई देता है। असली नीलम रत्न को हाथ में 10 मिनट तक पकड़ कर रख दिया जाए और वो आपको सूट हो गया, यानी आपको असली नीलम रत्न अगर कोई भी ये कोई नीलम रत्न आपको सूट हो रहा है तो आपको एनर्जेटिक फील होगा, उत्साहपूर्वक लगेंगे आपको, अंदर से उत्साह लगेगा, कॉन्फिडेंस महसूस होगा। और आपको सूट नहीं हो रहा है तो आपको घबराहट होगी, जी मचलना और उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। असली नीलम रत्न पर अगर बाल यानी कोई भी हेयर यानी बाल बांध कर जलाया जाए तो वह नहीं जलता, ये उसकी पहचान होती है। असली नीलम रत्न में प्राकृतिक कुछ ना कुछ झिरम्स, कुछ ना कुछ उसके अंदर होता ही है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। तो असली नीलम रत्न को आप इस तरह से घर बैठे ही जांच सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आपको बिना लैब में जाने आपको लैब में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, और उसमें लैब में टेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दर्शकों, असली नीलम रत्न को इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। असली नीलम रत्न ही नहीं बल्कि कोई भी नीलम रत्न, कोई भी स्टोन हो, कोई भी नवरत्नों में कोई भी स्टोन पहनना चाहते हो आप, तो उसको इस तरह से ही आप चेक कर सकते हो। तो दर्शकों, कोई भी रत्न पहनने से पहले आप अपनी जन्म पत्रिका का पूरा अध्ययन किया करें, और वह भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, क्योंकि कोई भी रत्न पहनना बहुत ही डेंजरस होता है, खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि यह रत्न आपके शरीर के ऊपर, आपके मस्तिष्क के ऊपर, आपके मन के ऊपर असर डालते रहते हैं, और आपके जीवन में जो भी घटित होता है, हम चाहे जो सोचते हैं, जो कर्म कर रहे हैं, उसके साथ ये जो रत्नों की रश्मियाँ, जो ऊर्जा होती है, वो हमारे साथ होती है, हमारे सप्त चक्रों को वो असर करती है, और हमारे जीवन में हम जो भी बनना चाहते हैं, सोचते हैं, जो भी कर्म करते कार्य करते, उसके ऊपर यह कुछ ना कुछ असर डालता रहता है। इसलिए यह रत्न कोई चमत्कारिक इसे चमत्कारिक दृष्टि से मत देखिए कि कोई भी रत्न पहन लिया और हम अमीर बन गए, हमारा ये काम बन गया, उसके पीछे आपके कर्म ही होते हैं, क्योंकि ये रत्न ग्रह के होते हैं, नौ ग्रह के होते हैं,
और यह आपके कुंडली में उन ग्रहों की अवस्था किस तरह से है, उनकी डिग्री क्या है, उनकी महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, वो किस से दृष्टिक्षेप हो रहा है, किस तरह से उनका योग करके बैठे हैं, इसके ऊपर निर्भर होता है दर्शकों। ऐसा नहीं कि आप कोई भी रत्न उठा लीजिए और पहन लीजिए, किसी ने बोल दिया कि इससे आपका ये काम हो जाएगा, इससे आपकी नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, इस तरह से नहीं होता है। आपकी जन्म पत्रिका सबसे मुख्य होती है, और वह भी जो आपकी जन्म पत्रिका का जो अध्ययन कर रहा है वह व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर सही होना चाहिए, उसे पूरा ज्ञान होना चाहिए, आपको मिसगाइड करने वाला नहीं होना चाहिए वो। तो आशा करता हूँ दर्शकों आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी, तो पसंद आएंगी इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारी वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।